जब ऑथर फोकस नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं? क्या आप अपने कामों को खत्म करने में स्ट्रगल करते हैं? क्या आप हमेशा नोटिफिकेशन या हंसी मजाक से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? अगर ऐसा है तो आप और ऑथर बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि काम पर एक चीज पर फोकस करना सबसे मुश्किल चीज है। हमेशा कुछ न कुछ आपको इंटरप्ट करता है, जैसे कि कोई एक इंसान, एक कॉल, एक मीटिंग या कोई न्यूज। हाँ, आप उन चीजों को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। आपको पता है कि वो चीजें आपके परमिशन के बिना आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती हैं। इसका मतलब हर बार जब आप फोकस नहीं होते हैं तो आप किसी और को या किसी चीज को अपने दिमाग में जाने की परमिशन दे रहे हैं। इस तरीके से ऑथर इंटरप्शन को देखते हैं। तो आप फोकस को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ पर दो चीजें हैं जो ऑथर हमेशा करते हैं जब उन्हें लगता है कि वो जरूरी कामों पर फोकस नहीं कर पा रही हैं। हटाना, हटाना, हटाना। हर दिन हम चीजों को जमा करते हैं। ये उन चीजों के बारे में नहीं है जो हम खरीदते हैं, बल्कि ये आइडियाज के बारे में है। हम हर दिन काफी सारे आइडियाज के आगे एक्सपोज होते हैं, जिसमें से हम कुछ को अडॉप्ट करते हैं और अपना बना लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए, काफी सारे लोगों ने ऑथर को कहा कि उन्हें यूट्यूब वीडियोस बनानी चाहिए। ऑथर भी अपने दोस्तों को, अपने टीम मेंबर को एडवाइस देते हैं कि कैसे वो लोग अपनी लाइफ, करियर और बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये चीज हम सब लोग करते हैं और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये तभी प्रॉब्लम बनती है जब आप लोगों से मिलने वाले इनपुट को फिल्टर नहीं करते हैं। जब ऑथर को लोगों ने कहा कि उन्हें यूट्यूब वीडियोस बनानी चाहिए, तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि मुझे वीडियोस बनानी चाहिए। उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और वीडियोस अपलोड की और रिस्पांस पॉजिटिव था। लेकिन सिर्फ एक दिक्कत थी, यूट्यूब पर वीडियोस बनाना उनका काफी ज्यादा टाइम और अटेंशन लेता था, और इसकी वजह से वो लिखने पर और पॉडकास्ट बनाने पर फोकस नहीं कर पा रहे थे। और ये एग्जैक्टली वही चीज थी जो वो करना चाहते थे। इसकी वजह से उनके फोकस और उनके काम दोनों ने सफर किया। फिर उन्होंने अपने आप से सवाल पूछा, कौन सी चीज मुझे हटानी चाहिए जिससे मेरी लाइफ सिंपल हो जाए और फोकस करना आसान हो जाए। इस केस में उन्होंने यूट्यूब पर फोकस करना बंद कर दिया। एलिमिनेशन एक की स्ट्रेटेजी है जो कि ऑथर अपनी जिंदगी के काफी सारे एस्पेक्ट में यूज करते हैं। हम इतने सालों में इतनी ज्यादा अनचाही चीजों को जमा कर लेते हैं कि हमारा दिमाग आइडियाज और प्रोजेक्ट से भर जाता है, और इन्हें कंसिस्टेंटली हटाना जरूरी है। अगर आपको फोकस करने में दिक्कत होती है तो इस स्ट्रेटेजी को ट्राई करें। अपनी जिंदगी को इतना सिंपल बना लें कि आपके लिए जीना बहुत आसान हो जाए। दूसरी चीज जो ऑथर करते हैं वो है पहले की सक्सेस के बारे में सोचना, पास्ट सक्सेस और हैप्पीनेस के बारे में सोचना। हमारे अंदर सेरोटोनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। सेरोटोनिन एक केमिकल नर्व है जो कि हमारे सेल्स प्रोड्यूस करती है। सेरोटोनिन डिप्रेशन को कम करने, मूड को स्टेबलाइज करने, स्लीप को कंट्रोल करने और एंजाइटी को रेगुलेट करने में मदद करता है। सेरोटोनिन हमारी जनरल वेलबींग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन को भी रेगुलेट करता है, इसलिए सेरोटोनिन हमारे फोकस के लिए मैटर करता है। जब आपकी सेरोटोनिन एक्टिविटी कम होती है तो उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में लैक ऑफ फोकस हो सकता है। जब आप अपना फोकस खोते हैं तो एक बड़ा चांस है कि आपकी सेरोटोनिन एक्टिविटी कम है। इसलिए आप शॉर्ट टर्म प्लेजर्स जैसे बाहर जाना, ड्रिंक करना, पॉर्न देखना, शॉपिंग करना या टीवी देखने में इंडल्ज हो रहे हैं। अपने फोकस को इम्प्रूव करने के लिए अपनी सेरोटोनिन एक्टिविटी को बूस्ट करें। रिसर्च से पता चलता है कि ये एक्सरसाइज से भी हो सकता है, लेकिन एक और सिंपल माइंड एक्सरसाइज भी ये कर सकती है। आपको बस एक काम करना होगा और वो है पास्ट के पॉजिटिव इमोशंस को याद करना। जब सेरोटोनिन ऊपर जाता है तो फोकस भी ऊपर जाता है, और यही अल्टीमेटली वो चीज है जो आपको चाहिए। साइंस के अकॉर्डिंग प्रोकास्टिनेशन को कैसे हटाएं? प्रोकास्टिनेशन मॉडर्न सिविलाइजेशन की शुरुआत से है। हिस्टोरिकल फिगर जैसे लियोनार्डो डा विंची, पाब्लो पिकासो, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन जैसे लोगों ने कहा है कि प्रोकास्टिनेशन रिजल्ट का दुश्मन है। प्रोकास्टिनेशन के बारे में फनी चीज ये है कि हम सबको पता है कि वो हार्मफुल है। कौन प्रोकास्टिनेट करना चाहता है? कोई भी नहीं। प्रोकास्टिनेशन ऑथर की जिंदगी की स्टोरी थी। हर सेमेस्टर की शुरुआत में वो सबसे कूल रहते थे, इंजॉय करते थे, रिलैक्स करते थे, बाहर पार्टी करने जाते थे। लेकिन एग्जाम से एक हफ्ते पहले वो अपने आप को कहते थे, भाई तुमने पहले पढ़ना शुरू क्यों नहीं किया? और फिर वो सोचते थे कि सेमेस्टर की शुरुआत में तो वो पढ़ नहीं रहे थे, बल्कि पार्टी और इंजॉय कर रहे थे। और रिसर्च बिल्कुल यही चीज दिखाती है। जब आप प्रोकास्टिनेट करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा फील हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप सफर करेंगे। एक चीज जो सारे प्रोकास्टिनेटर में कॉमन है वो है कि प्रोकास्टिनेशन का एक प्राइस है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी में एक स्टडी पब्लिश की गई और उसमें प्रोकास्टिनेशन की कॉस्ट लिखी थी, जो कि था डिप्रेशन, इरेशनल बिलीव्स, लो सेल्फ एस्टीम, गुस्सा और स्ट्रेस। प्रोकास्टिनेशन कोई इनोसेंट बिहेवियर नहीं है, बल्कि वो साइन है पुअर सेल्फ रेगुलेशन का। रिसर्चर प्रोकास्टिनेशन को एल्कोहल और ड्रग अब्यूज से भी कंपेयर करते हैं। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल और विल पावर वो चीजें हैं जिन्हें हम ओवर एस्टिमेट करते हैं। तो विल पावर या सेल्फ डिसिप्लिन पर डिपेंड करने से अच्छा होगा कि हम काम करने का एक सिस्टम बना लें।
काफी सारे लोगों को रूटीन और सिस्टम अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो लोग फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन फ्रीडम आपकी दुश्मन है। फैक्ट ये है कि अगर आप चीजों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको रूल्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि इफेक्टिव प्रूव हुई हैं। सेल्फ इम्पोज्ड डेडलाइंस, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, इंटरवल्स में काम करना, हर रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करना, एक हेल्दी डाइट, डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करना और सबसे जरूरी इंटरनल मोटिवेशन। अगर आप सही प्रोडक्टिविटी टैक्टिक्स को कंबाइन करेंगे तो आपको एक प्रोडक्टिविटी सिस्टम मिलेगा। डेडलाइन अर्जेंसी बनाती है, अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाती है, इंटरनल में काम करना आपका फोकस इम्प्रूव करता है, एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट आपको और ज्यादा एनर्जी देगी और डिस्ट्रैक्शन को हटाना टेम्पटेशन को दूर करेगा। लेकिन कोई भी सिस्टम आपकी तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक आप इंटरनली मोटिवेटेड ना हो। लोग इसे ओवर कॉम्प्लिकेट करते हैं, लेकिन ये साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अनप्रोडक्टिव लोगों की आदतें जिन्हें आप कॉपी नहीं करना चाहते हैं। अनप्रोडक्टिव लोगों की कुछ हैबिट्स होती हैं। अगर आपके अंदर इनमें से कुछ हैबिट्स हैं तो चिंता ना करें, हम सब कभी कभी अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर 4 से ज्यादा हैं तो ये बदलने का समय है। बहुत ज्यादा चिंता करना, क्या होगा अगर मैं ब्रोक हो गया, क्या होगा अगर मेरी जॉब चली गई, क्या होगा अगर मुझे कैंसर हो गया, क्या होगा अगर प्लेन क्रैश हो जाए, हम अपना सर जमीन में इतना ज्यादा दबा लेते हैं कि हम देख ही नहीं पाते कि ये कितनी सेल्फ एब्जॉर्ब थिंकिंग है। ये बस मेरे मेरे और मेरे बारे में ही है। ये सारे एग्जांपल्स ऑथर की जिंदगी से ही हैं। वो क्या होगा गेम के किंग थे। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, आप इस सेकंड नहीं मरने वाले, तो अपने आप से ऊपर उठें, चिंता लेना छोड़ें और कुछ काम का करें। चीजें चेक करना, आप क्या कर रहे थे, मैं बस फेसबुक चेक कर रहा था। चेकिंग एक काम की चीज नहीं है, ये एक वर्ब हो सकता है लेकिन ये कोई रियल एक्शन नहीं है। जब ऑथर ने ब्लॉगिंग शुरू की तो वो बिना किसी रीजन के स्टैट्स को चेक करते थे। तब उन्होंने सोचा चेकिंग का आउटकम क्या है, जवाब है कुछ भी नहीं, आप बस इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करते हैं। ऑथर अपनी चेकिंग को कम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सारे न्यूज और सोशल मीडिया एप्स को अपने फोन से डिलीट कर दिया। चेकिंग एक हैबिट है जिसे आप पूरी तरह से नहीं हटा सकते। सिर्फ एक या दो चेक करने वाली चीजों को ही रखें जो आपको अच्छी लगती हैं, बाकी सबको हटा दें। आप किसी चीज पर मिस नहीं कर रहे हैं। लाइफ से भागना, 2 साल पहले जब भी ऑथर जिंदगी से परेशान हो जाते थे तो वो इस तरीके की बातें करते थे, मुझे ड्रिंक चाहिए या मुझे छुट्टी पर जाना चाहिए। और जब उन्होंने काम पर या अपने रिलेशनशिप में ज्यादा दिक्कत होती थी तो वो इस तरीके से दिखावा करते थे कि वो है ही नहीं। क्या उन्होंने इन इश्यूज को सॉल्व किया, जवाब है नहीं। वो बस इनसे भागने का ट्राई करते थे। प्रॉब्लम से दूर भागना आपको आपके शिटी लाइफ का सामना करने के लिए थोड़ा सा स्टेमिना दे सकता है, लेकिन हमें पता है कि प्रॉब्लम तब तक नहीं जाएगी जब तक आप उनकी जड़ें पकड़कर दूर फेंक ना दें। हाँ बोलना, ज्यादातर लोग ना बोलने से डरते हैं। शायद आप लोगों को नीचा नहीं दिखाना चाहते, शायद आप ना शब्द से अनकंफर्टेबल है। ये सच में मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि अगर आप हमेशा हाँ बोलते रहेंगे तो आप किसी और की जिंदगी जी रहे हैं। इसके बारे में सोचें। अंदर ही अंदर हम सबको पता है कि ये सच है। अगर आप हाँ बोलते रहेंगे तो आप अपने टाइम को भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल लेना चाहते हैं तो लाखों चीजों को ना बोले और बहुत ज्यादा मैटर करने वाली चीजों को हाँ बोले। चीजों को ना लिखना, क्या आप इतने स्मार्ट हैं कि आप सारी चीजों को याद रखते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अपने थॉट्स, आइडियाज और टास्क को ना लिखना एक स्टूपिड आइडिया है, क्योंकि जब आप मेमोरी पर रिलाय करते हैं तो आप बहुत ज्यादा ब्रेन पावर वेस्ट करते हैं। जब आप सब चीजों को लिखते हैं तो आप अपनी ब्रेन पावर को उन चीजों के लिए यूज कर सकते हैं जो कि बहुत जरूरी है, जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इससे आप उन चीजों पर ध्यान दे पाएंगे जो कि आपके लिए काम की हैं और आपकी लाइफ में मदद करती हैं। अगर आप जर्नलिंग करते हैं तो ये और भी अच्छी बात है। अपनी पर्सनल एजुकेशन को इग्नोर करना, कौन है जो एक चीज सीखता है और हमेशा के लिए रुक जाता है। ऑथर हमेशा सोचते थे कि जब आप कॉलेज से पास आउट होते हैं तो सीखना खत्म हो जाता है, लेकिन बाद में उन्हें सच का पता चला कि जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो जिंदगी बंद हो जाती है। अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, नई चीजें सीखें, किताबें पढ़ें, कोर्सेज करें, वीडियोस देखें, चाहे उसे घर से करें या कहीं जाकर, लेकिन करें। ऐसा करने से आप और ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे और लाइफ के लिए एक्साइटेड भी रहेंगे। रूल से नफरत करना, ज्यादातर लोगों को रूल से नफरत है। जब हम छोटे होते हैं ये तब से शुरू होता है, मुझे उसे क्यों करना है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब हम रूल्स फॉलो नहीं करते। ऑथर का मानना था कि रूल्स डंब हैं। ऑथर अपने आप को इस बात पर पागल कहते हैं। रूल्स असल में जिंदगी की बेस्ट चीज हैं। जब प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो पहला रूल है रूल्स होना। अगर आप रूल्स के बिना रहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन लाइफ कोई फाइट क्लब नहीं है। रूल्स असल में हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। कैसे बेहतर तरीके से फोकस करें, अपना अटेंशन मैनेज करें, अपना टाइम नहीं। आप एक दिन में कितने मिनट्स के लिए बिना डिस्टर्ब हुए काम कर सकते हैं, 10 मिनट, 20 मिनट या शायद 50 मिनट।
अगर आपको लगता है कि ये कम है तो बस अपनी जिंदगी को एग्जामिन करें। हम में से ज्यादातर लोग 10 मिनट से ज्यादा अनडिस्टर्ब नहीं रह सकते। हम इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं कि अपने ऊपर और अपने काम पर फोकस करने के लिए टाइम निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। हम में से कुछ लोगों को हर दिन 100 से ज्यादा नोटिफिकेशन आते हैं। ज्यादातर लोगों का दिन नोटिफिकेशन के जवाब देने में ही निकल जाता है। डिस्ट्रैक्शन 21st सेंचुरी की पहली वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं है, डिस्ट्रैक्शन जिंदगी का एक पार्ट है। उसका आपके स्मार्टफोन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या टेंडर से कोई लेना देना नहीं है। ये एक ह्यूमन नेचर है, हमें बिजी रहना अच्छा लगता है। सोक्रेट, जो कि वेस्टर्न फिलॉसफी के फाउंडर में से एक हैं, उन्होंने 2400 साल पहले ही हमें इस बारे में वार्न कर दिया था। बिजीनेस कोई अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि बिजीनेस और डिस्ट्रैक्शन साथ साथ चलते हैं। डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, तो आपको अपने टेंशन को मैनेज करने में बेटर होना होगा, ना कि अपने टाइम को मैनेज करने में, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं। हम गलती से ये बिलीव करते हैं कि हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता है। जो चीज आप कंट्रोल करते हैं वो है आपका टेंशन। और याद रखें कि फोकस आपकी जिंदगी की क्वालिटी को डिटरमाइन करता है। नो फोकस का मतलब है अपने टेंशन पर नो कंट्रोल, और नो कंट्रोल का मतलब है फ्रस्ट्रेशन। और हम सबको पता है फ्रस्ट्रेशन हमें कहां तक लेकर जा सकती है। तो अपनी अटेंशन को मैनेज करना शुरू करें, ना कि अपने टाइम को। छुट्टी लें या आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और स्ट्रेस को कम करता है। जब आपके फोन की बैटरी कम हो जाती है तो आप अपने फोन को रिचार्ज करते हैं, लेकिन कभी कभी आप अपने सबसे प्रीशियस पोजेशन यानी कि अपनी बॉडी को रिचार्ज करना भूल जाते हैं। सुबह उठना और इस दुनिया में जीना काफी मुश्किल काम है, तो हम एक वेकेशन ना लेकर इसे और ज्यादा मुश्किल क्यों बनाते हैं। ऑथर उन वेकेशन की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पर आप रिचार्ज करने से ज्यादा काम करते हैं, बल्कि वो उस वेकेशन की बात कर रहे हैं जो कि एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से लिया गया है, और वो रीजन है अपनी बैटरी को रिचार्ज करना, जिससे कि आप मेहनत से काम कर सके। साइंटिफिक रिसर्च दिखाती है कि एक वेकेशन स्ट्रेस और बर्नआउट को कम करता है। ये वेकेशन लेने का एक अच्छा रीजन है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ऑथर प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वो वेकेशन के केस में अपने आप से पूछते हैं कि क्या मैं वापस आकर ज्यादा चीजें कर पाऊंगा, और इसका जवाब है हाँ। यानी कि एक 3-4 दिन का वेकेशन लेकर आप स्ट्रेस और बर्नआउट को भी दूर कर पाएंगे, और उसके साथ वापस आने के बाद और ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएंगे। ये आपके पैसे और टाइम का अच्छा ROI है। बिना बात की ब्राउजिंग को बंद करना। हम सबके कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें हम अनप्रोडक्टिव फील करते हैं, या हमारे पास कुछ करने की एनर्जी नहीं होती। जब आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव नहीं हैं, तो चांसेस हैं कि इंटरप्शन और मल्टीटास्किंग आपको ट्रेन करती हैं। जब आप मल्टीपल चीजों को एक साथ करते हैं, जैसे ईमेल भेजना, दोस्त से बात करना और फेसबुक चेक करना, तो आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में एंगेज होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक रिसर्च की गई, और उसमें ये पता चला कि एक इंटरप्शन के बाद ओरिजिनल टास्क पर वापस आने में एवरेज 25 मिनट लगते हैं। क्योंकि आप एक से ज्यादा बार इंटरप्ट होते हैं, तो ये बहुत जल्दी एडअप होता है और आपको लगता है कि आपने पूरा दिन कुछ नहीं किया। क्लिफर्ड नेस, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मल्टीटास्किंग के इम्पैक्ट पर रिसर्च की, और उन्हें पता चला कि जो लोग मल्टीटास्किंग में एंगेज होते हैं वो इरेलेवेंसी के सकर्स होते हैं। हम मल्टीटास्किंग में इसलिए एंगेज होते हैं क्योंकि हम नोटिफिकेशन से डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, जो कि एडिक्टिव है। हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब भी नोटिफिकेशन आती है तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मुझे इस चीज को या इस इंसान को अपना अटेंशन देना है। हर बार जब नोटिफिकेशन हमारी स्क्रीन पर पॉप अप होती है, तो हमें एक रश मिलता है जो कि डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन हमारे दिमाग के प्लेजर सिस्टम को कंट्रोल करता है और हमें जॉय फील कराता है। ये जॉयस फीलिंग एडिक्टिव होती है, और हम उन कामों को करने लगते हैं जिससे डोपामाइन स्टिमुलेट होता है। ड्रग्स और नोटिफिकेशन के बारे में सोच सकते हैं, ये वो बिहेवियर्स हैं जिससे हमें डोपामाइन मिलता है। डोपामाइन एक रश बनाता है, लेकिन वो आपको एग्जॉस्ट भी करता है। इसलिए आप प्रोडक्टिव ना होने के बावजूद भी दिन के एंड में थका हुआ फील करते हैं। ये खतरनाक प्रोसेस है, और हमें इस पैटर्न को रोकना होगा। प्रोडक्टिव होने का सिंपल मतलब है अपने दिन का कंट्रोल लेना। आपकी प्रोडक्टिविटी को जो चीज सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है वो है ब्राउजिंग। वो इसे पूरा मार देती है। जब भी हम ब्राउज कर रहे होते हैं तो हमें टाइम का पता नहीं चलता। आपने कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा, क्या मैंने 2 घंटे से कुछ नहीं किया। इसलिए ऑथर अपने अटेंशन और टाइम का कंट्रोल लेने के लिए कहते हैं। पॉइंट ये है कि कुछ ऐसा करें जो कि आपके टाइम की वर्थ है। अपने टाइम के बारे में कॉन्शियस रहें, और उसे इस तरीके से करें जिससे आपकी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव होती है। 20 चीजें जो आपको पहले से कहीं ज्यादा प्रोडक्टिव बना देंगी। अगर आपके पास सही माइंडसेट नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी टूल्स, एप्स या हैक्स काम नहीं करते, क्योंकि प्रोडक्टिविटी एक जीने का तरीका है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है मैक्सिमम आउटपुट अचीव करना, काम पूरा करना और टाइम वेस्ट ना करना। यहाँ पर ऑथर 20 चीजें शेयर करते हैं जो उन्होंने पिछले 3 सालों में की, जिससे वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए। हमेशा चेज से कट करें। जिंदगी में सारी चीजें हैं, कहीं क्रैप है
और कहीं वो चीजें भी हैं जो मैटर करती हैं। चिट चैट, छोटी बातचीत, डिले करना, ये सब यूजलेस है। अगर आप काम को पूरा करना चाहते हैं तो डायरेक्टली एक्शन में घुसें। अपने सारे थॉट्स और आइडियाज को रिकॉर्ड करें। कंप्यूटर्स के जैसे हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम है। आपकी रैम रेलेवेंट शॉर्ट टर्म इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, लेकिन आपकी रैम कैपेसिटी लिमिटेड है। जब वो भर जाती है तो वो नई इन्फॉर्मेशन के लिए जगह बनाने के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देती है। आपको अपने थॉट्स को लिखना चाहिए जिससे कि आप अपने रैम को अनलोड कर सकें। इससे आपको ज्यादा ब्रेन पावर मिलेगी। अगर आप उन लिखे हुए थॉट्स को कभी नहीं देखने वाले हैं तब भी उन्हें लिखें, क्योंकि इससे आपको काफी मदद मिलेगी। ना बोलें, जब काम की बात आती है तो ऑथर उन सारी चीजों को ना बोलते हैं जो कि उनके गोल्स और वैल्यूज को सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि हम एक अबंडेंट वर्ल्ड में रहते हैं जहां पर सब कुछ काफी ज्यादा अमाउंट में है। हर 30 से 45 मिनट में एक 5 मिनट का ब्रेक लें। ब्रेक में आप अपनी बैक को स्ट्रेच कर सकते हैं, थोड़ा सा चल सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी, आप अपने काम से अपना ध्यान हटा सकते हैं। जो भी आपको डिस्ट्रैक्ट करता है उसे एलिमिनेट करें। विल पावर ओवररेटेड है। अगर कोई चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है तो उसे एलिमिनेट करें। ऑथर के एक दोस्त को न्यूज का एडिक्शन था। ऑथर ने उन्हें सजेस्ट किया कि टीवी देखना बंद करें, अपनी न्यूज ऐप डिलीट करें और अपने लैपटॉप पर न्यूज साइट्स को ब्लॉक कर दें। 2 हफ्ते बाद उन्होंने ऑथर से कहा कि अब वो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं। ये ना सोचें कि आप डिस्ट्रैक्शन से इम्यून हैं। उन्हें रिमूव करें। क्लटर को दूर रखें। एक क्लटर जिंदगी का मतलब है क्लटर दिमाग, और एक क्लटर दिमाग के साथ आप काम पूरा नहीं कर सकते। ऑथर एक सिंपल एनवायरनमेंट में काम करने को कहते हैं। एक डेस्क, एक लैपटॉप और एक नोटबुक। इसे सिंपल रखें। आपको ज्यादा दिखावे की जरूरत नहीं है। एक चीज पर फोकस करें। अगर आपके पास रिकरिंग टास्क हैं, तो जितना हो सके सेम चीज को एक ही दिन करें। ऑथर 2 से 3 ब्लॉग पोस्ट को एक दिन में लिखते हैं और हफ्ते के बाकी दिन वो अपने दूसरे बिजनेसेस और प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। उनके लिखने वाले दिनों में वो फोन को बंद कर देते हैं और सिर्फ लिखते हैं। बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम ना करें। आपको प्रोडक्टिविटी के ऊपर 100 वीडियोस नहीं देखनी है। अगर आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले तो उसे ट्राई करें। ज्यादा सर्च ना करें, ज्यादा हमेशा अच्छा नहीं होता। रूटीन्स बनाएं। डिसीजन आपके दिमाग को फटीक देते हैं और रूटीन्स डिसीजन को एलिमिनेट करते हैं, जिसका अल्टीमेटली मतलब है ज्यादा ब्रेन पावर। रूटीन्स एफिशिएंट हैं। मल्टीटास्क ना करें। जैसे कि पहले डिस्कस किया गया है कि एक इंटरप्शन से ओरिजिनल टास्क पर वापस आने में एवरेज 25 मिनट लगते हैं, ये यूजफुल टाइम का वेस्टेज है। ईमेल को दिन में सिर्फ 2 बार चेक करें। हर बार जब आप अपनी ईमेल को चेक करते हैं तो आपको डोपामाइन का एक रश मिलता है। ईमेल चेक करना अच्छा फील कराता है और हम में से ज्यादातर लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं। डोपामाइन एक रश बनाता है, लेकिन ये आपको एग्जॉस्ट भी करता है। इसलिए आप दिन के खत्म होने पर टायर्ड फील करते हैं, भले ही आपने पूरा दिन कुछ भी प्रोडक्टिव ना किया हो। इसको कम करने के लिए नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें और अपनी ईमेल को सेट टाइम पर सिर्फ 2 बार ही चेक करें। दिन के पहले घंटे में कोई स्मार्टफोन नहीं। एक स्मार्टफोन का प्राइमरी फंक्शन है आपको इंटरप्ट करना, लेकिन दूसरे लोगों या ऐप से आपको आपके दिन के पहले घंटे में इंटरप्ट ना करने दें। पहले घंटे को अपने दिन के बारे में सोचने, बुक पढ़ने और ब्रेकफास्ट को एंजॉय करने के लिए यूज करें। अगले दिन को प्लान करें। हर रात बेड पर जाने से पहले ऑथर अपने अगले दिन की प्रायोरिटी सेट करने के लिए 5 मिनट लेते हैं। इससे जब वो अगले दिन उठते हैं तो वो और ज्यादा फोकस फील करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो इस काम को नहीं करेंगे तो वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे। थिंकिंग को कम से कम रखें। जब लोग कहते हैं मैं सोच रहा हूँ, तो उनका सोचने का मतलब चिंता करना होता है। ज्यादा ना सोचें, बस करें और देखें क्या होता है। अगर जो हो रहा है वो आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करें, वरना ना करें। एक्सरसाइज करें। जिंदगी में कुछ चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, खाना, पानी, रहने की जगह, रिलेशनशिप्स और एक्सरसाइज। इन चीजों के बिना आप प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। साइंटिफिक रिसर्च शो करती है कि रेगुलर एक्सरसाइज आपको खुश, स्मार्ट और ज्यादा एनर्जेटिक बना सकती है। थोड़ा सा हंसे, हंसने से स्ट्रेस कम होता है। और अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को ऊपर रखना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेस नहीं चाहिए, तो जितना हो सके अपने मुंह के कॉर्नर्स को ऊपर रखें, मतलब हंसते रहें। मीटिंग्स में ना जाएं। ये उन लोगों के लिए मुश्किल है जो कि कंपनीज के लिए काम करते हैं। कुछ कंपनीज के पास मीटिंग कल्चर होता है। लोग बस इम्पोर्टेंट दिखने के लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं और असली काम को प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। क्या ये सच में जरूरी है? अपने आप से जितना हो सके ये सवाल पूछें। आपको पता चलेगा कि ज्यादातर समय आपका जवाब ना है, तो जो चीजें जरूरी नहीं है उनको क्यों करना है? अगर आपका शिटी दिन है तो रीसेट प्रेस करें। कोई आपसे नाराज हो गया है या आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, ये सबके साथ होता है। इसके बारे में ज्यादा ना सोचें। अकेले कुछ वक्त बिताएं, मेडिटेट करें, म्यूजिक सुनें या वॉक के लिए जाएं। ट्रैक पर आने की कोशिश करें और अपने दिन को वेस्ट ना होने दें। काम करें। हाँ, काम के बारे में बात करना, काम करने से आसान है, हर कोई इसे कर सकता है, लेकिन आप सबकी तरह नहीं है।
आप एक प्रोडक्टिविटी बीस्ट हैं, तो एक प्रोडक्टिविटी बीस्ट की तरह ही एक्ट करें। अगर आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, तो रिसर्च से पता चलता है कि आपको एक ब्रेक की जरूरत है। ऑथर ने प्रोडक्टिविटी के ऊपर दर्जन भर बुक पढ़ी है और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर अनगिनत आर्टिकल्स पढ़े हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए अलग अलग मेथड्स को टेस्ट किया है। आइडिया सिंपल है, उन्हें सेम टाइम में ज्यादा काम करना है। वो शॉर्टकट या हैक्स नहीं ढूंढ रहे हैं, उन्हें काम करना अच्छा लगता है। लेकिन एक बात जो उन्हें अच्छी नहीं लगती है, वो है उन चीजों पर टाइम बर्बाद करना जो कि काम का नहीं है। कभी कभी वो यूट्यूब देखना शुरू करते हैं और बस 2 घंटे चले गए और फिर वो यूट्यूब से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन ये कोई सेंस नहीं बनती, ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने कल रात ड्रिंक पी थी और आप उस पर आज गुस्सा कर रहे हैं। प्रॉब्लम ड्रिंक की नहीं है बल्कि आपकी है। आप एक ड्रिंक करने के बाद रख सकते थे, आप एक वीडियो देखने के बाद यूट्यूब बंद कर सकते थे। ऑथर ने उस फ्रस्ट्रेशन को एलिमिनेट करने का एक तरीका ढूंढा जिससे कि काम करने में मजा आता है और काम में कम चिंता होती है। सॉल्यूशन सिंपल है, हर 30 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले। इसे पोमोडोरो टेक्निक भी कहते हैं। ये मेथड काम इसलिए करता है क्योंकि ये एवोल्यूशनरी बायोलॉजी पर डिपेंडेंट है। हमारा ब्रेन एक काम पर ज्यादा टाइम के लिए फोकस नहीं कर सकता। हमारा दिमाग हमारे सर्वाइवल को पक्का करने के लिए बना है, इसलिए वो हमेशा अलर्ट स्टेट में रहता है। इसलिए एक चीज पर लंबे टाइम के लिए फोकस करना आपके दिमाग के लिए मुश्किल है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस की रिसर्च शो करती है कि काम को डीएक्टिवेट और रीएक्टिवेट करना हमें फोकस रखता है। जब आप बड़े काम को पूरा कर रहे हो, जैसे एग्जाम के लिए पढ़ना, प्रेजेंटेशंस बनाना या रिपोर्ट्स लिखना, तो छोटे और प्लान ब्रेक्स लेना बेस्ट मेथड है। जब आप ब्रेक लेते हैं तो आपको री इवैल्यूएट करने के लिए कुछ सेकंड्स मिल जाते हैं। कभी कभी आपको ये भी पता चल सकता है कि आपको क्वालिटी को बढ़ाने के लिए अपने काम को एडजस्ट करना होगा। दूसरी तरफ अगर आप एक टास्क पर बिना ब्रेक लिए काम कर रहे हैं, तो आप जल्दी से फोकस खो देंगे और काम की क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इसलिए 5 मिनट वाला ब्रेक 30 मिनट काम करना जितना ही इम्पोर्टेंट है। अपने ब्रेक्स को सीरियसली लें, उन्हें एक रिवॉर्ड की तरह देखें। अपने ब्रेक्स का इस्तेमाल थोड़ा चलने के लिए, कुछ स्ट्रेचेस करने के लिए या कुछ ऐसा करें जो आपको रिलैक्स करता हो। जो आपने काम किया है उसके लिए खुश हों। अगर आप इस मेथड को ट्राई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो कि आपकी मदद कर सकते हैं। 30 मिनट का इंटरवल सेट करने के लिए ऐप का यूज करें। उस 30 मिनट के इंटरवल में सिर्फ एक ही काम असाइन करें। अपने ब्रेक्स को स्किप ना करें। ब्रेक्स लेते समय अपने ईमेल को चेक ना करें। 4 इंटरवल्स के बाद 15 मिनट का ब्रेक लें। जब आप 30 मिनट के स्ट्रेच में हो, तो फॉल्स इमरजेंसीज या इंटरप्शन को एक्सेप्ट ना करें। हर रोज का डेली गोल सेट करें। 1 साल में 100 किताबें कैसे पढ़ें? अब हम इस समरी के आखिरी चैप्टर पर आ गए हैं, जो कि बताता है कि 1 साल में 100 बुक्स को कैसे पढ़ें। सारे सक्सेसफुल लोग बुक्स को रीड करते हैं। अगर आप एक महान इंसान की बायोग्राफी को पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग भी बुक्स पढ़ते थे। तो ज्यादा रीड करने के लिए ऑथर 5 लेसन को शेयर करते हैं। बल्क में बाय करें। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा बुक्स खरीदनी होंगी। कुछ लोग इसे नहीं समझते हैं, वो 5,000 रुपए नए जूते खरीदने में खर्च कर देंगे, लेकिन अमेज़न से 20 बुक नहीं खरीदेंगे। आइडिया सिंपल है, अगर आपके घर में ज्यादा बुक्स होंगी, तो आपके पास ज्यादा चॉइसेस होंगी और ये आपकी मदद करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी बुक्स आप पढ़ते हैं, वो एडवांस में प्लान नहीं होती। आप एक बुक को खत्म करते हैं, आप इन्वेंट्री देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि अगला क्या पढ़ना है। ज्यादा ना सोचें कि कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप घंटों रिव्यूज पढ़ने में बैठ जाएंगे, जो कि टाइम वेस्टेज होगी। किताबों की इन्वेंटरी रखना मोमेंटम को ऊपर रखता है। आपके पास कभी भी ना पढ़ने का एक्सक्यूज ही नहीं होता। हमेशा पढ़ते रहें। ऑथर एक मोटो से जीते हैं, जो कि हमेशा पढ़ते रहें। वो हर रोज मिनिमम 1 घंटा पढ़ते हैं और वीकेंड्स और छुट्टियों पर और भी ज्यादा। अपने स्केड्यूल और अपनी लाइफ सिचुएशन के अराउंड पढ़ने का ट्राई करें। एक्सक्यूज ना बनाएं, जैसे आप बहुत थके हुए हैं या बहुत बिजी हैं। हमेशा पढ़ने का मतलब आप ट्रेन में पढ़ सकते हैं, खाते समय पढ़ सकते हैं, डॉक्टर के ऑफिस में पढ़ सकते हैं और सबसे जरूरी तब पढ़ते हैं जब बाकी लोग न्यूज देखकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं या उस फेसबुक को 100वीं बार चेक कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप साल में 100 से ज्यादा बुक्स पढ़ पाएंगे। चलिए इसका मैथ देखते हैं। ज्यादातर लोग 1 घंटे में 50 पेजेस पढ़ते हैं। अगर आप 1 हफ्ते में 10 घंटे पढ़ेंगे, तो आप 1 साल में 26,000 पेजेस पढ़ लेंगे। अगर एक बुक में एवरेज 250 पेजेस हैं, तो आप 1 साल में 104 बुक्स पढ़ लेंगे। अगर आप 2 हफ्ते का ब्रेक भी लेते हैं, तो भी आप 1 साल में कम से कम 100 बुक्स तो पढ़ ही लेंगे। ये आपके टाइम के इन्वेस्टमेंट पर अच्छा रिटर्न है। सिर्फ रिलेवेंट बुक्स ही पढ़ें। सारी बुक्स सबके लिए नहीं है। एक बुक बेस्ट सेलर हो सकती है, लेकिन शायद वो भी आपके लिए सही ना हो। अगर आप पेजेस को फ्लिप नहीं कर सकते या हमेशा सोचते हैं कि आपको कितने पेजेस और पढ़ने हैं, तो उस बुक को रख दें, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। वही बुक्स पढ़ें जो कि आपके प्रोफेशन या हॉबी से रिलेटेड हो। उन लोगों की बुक्स पढ़ें जिन्हें आप एडमायर करते हैं। एक साथ कई बुक्स पढ़ें। रीडिंग के कोई रूल्स नहीं है, तो आप जो भी चाहे कर सकते हैं। कभी कभी ऑथर 1 साथ 5 बुक्स पढ़ रहे होते थे। वो एक बुक के 50 पेजेस सुबह पढ़ते हैं और दोपहर में कोई और बुक पढ़ते हैं।
वो इस तरीके से पढ़ना पसंद करते हैं। अगर आप कुछ ऐसा रीड कर रहे हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप कुछ ऐसा पढ़ना चाहेंगे जो कि शाम के लिए आसान हो। ऑथर सोने से पहले बायोग्राफीज पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि वो स्टोरी जैसी होती है। वो बेड में रहकर कोई इन्वेस्टिंग की बुक नहीं पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो वो 3 बजे तक जागे रहेंगे, क्योंकि उनका दिमाग नई चीजों से भरा होगा। नॉलेज को रिटेन करें। नॉलेज तभी अच्छी है जब आप उसका यूज करें। नॉलेज को रिटेन करने के लिए आपको एक सिस्टम चाहिए होता है जो कि ऐसा कर सके। जब आप एक बुक को पढ़ रहे होते हैं तो मार्जिन्स पर नोट बनाने के लिए एक पेन का यूज करें और जरूरी टेक्स्ट को हाईलाइट करें। अगर पढ़ते टाइम आपको कुछ ऐसा मिल जाता है जो कि बहुत जरूरी है, तो पेज के टॉप और बॉटम कॉर्नर को फोल्ड कर दें। जब आप बुक को खत्म कर लें तो उन फोल्ड किए गए पेजेस को फिर से पढ़ें। उन कोट्स को कॉपी करें जो आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चाहते हैं। थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। Thank you.